हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है प्रियल एंड आज मैं बना रही हूँ वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा अवेटेड है. नो, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या आपका पीसीओडी ठीक हो गया. यू नो, डिलीवरी के बाद, यू नो, प्रेगनेंसी के बाद बोलते हैं कि ठीक हो जाती है सारी चीज़ें, हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है. सो आज मैं भाई आपको बताने आई हूँ. बताऊँ कि नहीं बताऊँ, चलो बता देती हूँ. ठीक है, वैसे तो आपको मेरे फेस को देख के लग रहा होगा कि अरे बहुत ज़्यादा खुश है एंड ऑल. सो बात करूँ पहले कि तो मेरा पीसीओडी उस वक्त बहुत 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 ज़्यादा ख़राब था जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी. बहुत सारे पिंपल्स थे, बहुत ज़्यादा मोटी थी, इससे ज़्यादा मोटी थी मैं. अभी तो फिर भी कुछ नहीं हूँ, अभी मेरा वेट इतना बढ़ नहीं रहा है, जहाँ पे है वहीं स्टक्ड है. एंड मेरा पूरा चेहरा सड़ चुका था, सब कुछ हो गया था. वो आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, अगर आप नए हो तो जाके वीडियोस देखो. एंड अगर आपने देखा है तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा, यू नो, कितना गंदा हो गया था मेरा फेस पूरा का पूरा एकदम. एंड मैंने कंसीव किया, उसके बाद पूरे 9 मंथ्स बहुत खुशी खुशी बिताए. एंड जब मेरी बेबी आई, आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम. मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर किया. एंड उसके बाद मेरे वीडियोज़ थोड़े डिले होने लगे ड्यू टू माई गर्ल. एंड अब हम बात करते हैं कि क्या मेरा पीसीओडी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है. सो गाइज, मेरी डिलीवरी के बाद से अभी तक, यू नो, 5 जुलाई आ रही है, मेरी बेटी का पहला बर्थडे रहेगा, यू नो, मतलब 5 जुलाई को उसका फर्स्ट बर्थडे रहेगा. एंड तब से लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. जितना मुझे आसान लगता था, चीज़ें और ज़्यादा, यू नो, खतरनाक लग रही हैं मुझे. लेकिन ना अकेले हैंडल करना, चीज़ें करना बहुत 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 मुश्किल है. सो अभी मैंने कोई भी टेस्ट नहीं कराए हैं अपने हार्मोन्स के. मैंने प्लान किया था टेस्ट कराने का, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी नहीं कराना, लाइक पूरा 1 साल हो जाने दो, देन हम करवाएंगे एंड फिर रूल आउट करेंगे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं एंड क्या हमें किस पे वर्कआउट करना चाहिए. सो बेसिकली मुझे जो लगता है मेरे वेट के लिए मुझे करना पड़ेगा, वन शी इज़ 1 ईयर ओल्ड, देन उसके बाद मैं सोचूँ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ. अभी कितना भी सोच लूँ चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही है पहले की तरह. सो अगर आप मेरे से अंदर, मेरे को जो लगता है, मैं जो फील करती हूँ उस बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पीसीओडी काफ़ी ज़्यादा, यू नो, अभी नॉर्मल चल रहा है. पीसीओडी ठीक नहीं होता है, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है बेसिकली. एंड बहुत ज़रूरी नहीं कि आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो एकदम से वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. मैंने सारी चीज़ें करके पहले देख ली हैं. सो अभी मैं कोई डाइट पे नहीं हूँ, अभी रैंडम जो रहता है वो मैं खा लेती हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी कोई, यू नो, कोई भी एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रही हूँ. पहले मैंने सोचा था कि मैं IF करूँगी, बट नहीं हो पाई, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रातें काफ़ी ज़्यादा जगी हुई निकलती हैं अभी भी. सो बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मुझे लगता है मेरा पीसीओडी ठीक हो गया है, क्योंकि अभी मुझे पहले की तरह चीज़ें नहीं हो रही. मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं पूरी तरीके से. एवरी मंथ आई गेट माई पीरियड ऑन टाइम एंड ब्लीडिंग भी बहुत, यू नो, जैसे स्टार्टिंग 3 डेज होना चाहिए उस तरीके से ही सारी चीज़ें हो रही हैं. प्लस पिंपल्स का मैं आपको बोलूँ तो अभी तो मैंने फिल्टर लगा रखा है, बट उतना भी मेरा चेहरा भी सड़ा हुआ नहीं है, हार्डली थोड़े मोड़े मार्क्स होंगे एंड 1-2 पिंपल्स यहाँ पर हैं. एंड अगर आप मुझसे पूछो चिन्ह है, तो उसमें यार जैसे थे वो वैसे ही हैं. एंड आई नो मुझे आपको हेट का भी देना है, बट मैं जल्दी दूंगी. बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल वीडियोज, यू नो, बनाना एंड चीज़ें करना. तो अभी तो मुझे लग रहा है कि मेरा PCOD इज़ ऑन ट्रैक. बट ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि मैं घर का खाना खाती हूँ, मैं बाहर का, मैं ऑलमोस्ट लाइक सब बंद हो चुका है. आई डू ईट मैगी एंड ऑल, बट घर पे ही खाते हैं हम लोग, बट नॉट टू मच ऑफ मैगी, नॉट टू मच ऑफ मैदा एंड ऑल, ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो भी खाते हैं घर का ही रहता है सब कुछ. मेरे को लगता है उसके कारण से भी है. एंड दैट्स ऑल. तो मेरे हिसाब से मेरा PCOD अभी ऑन ट्रैक चल रहा है, बट वो डिपेंड करेगा जब मैं अपने हार्मोन्स को टेस्ट कराऊंगी एंड उससे रूल आउट होगा कि क्या क्या, यू नो, हार्मोन्स कहाँ हैं, यहाँ वहाँ हैं. पीरियड्स आना इज़ नॉट एवरीथिंग, लाइक पूरी बॉडी आपकी ठीक रहना चाहिए. बट ठीक है, अगर मुझे लग रहा है तो शायद होगा ही ऐसा. अच्छा, सारी चीज़ें सेटल आउट हो गई होंगी एंड जब मैं टेस्ट कराऊंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और आई नो देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ जो पेंडिंग हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी. बहुत कोशिश करूँगी डेली वीडियो बनाऊँ, बट यू नो, एनर्जी 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 चाहिए वीडियोस बनाने के लिए. और मैं झूठे वीडियोस नहीं बनाना चाहती. व्हाट एवर आई वांट टू शो इज़ रियल. ऐसा नहीं कि पीछे कुछ और है एंड सामने कुछ और है. दो यूट्यूब इसी के हिसाब से चलता है, बट ठीक है. सो ये था मेरा, यू नो, आज का वीडियो. एंड PCOD मेरे हिसाब से ठीक हो गया, बट
आई फील हो गया है, पर क्या पता है यार, हार्मोन्स उस पर पता चलेगा. सो ये वाला वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे आप लोग बार बार. सो अगर आप ऐसे कुछ वीडियोस देखना चाहते हो ना, छोटे छोटे आपके क्वेश्चन आंसर्स, मतलब मैं दे सकती हूँ, आप क्वेश्चन पूछो मैं आंसर्स दे दूँ उसके, तो आप मुझे कमेंट करना. एंड आगे मैंने एक छोटा सा हॉल वीडियो शेयर किया, वो ज़रूर देखना. एंड वो भी मैंने आपको इसी के रिलेटेड शेयर किया है, सॉरी पहले से दिखा रही हूँ, तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको शेयर किया है. एंड अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आगे का वीडियो भी आपको अच्छा. मैं फिर से आपके साथ ना कुछ अमेजोन के प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ अपने. सो ये मैंने लिए थे फॉर माय स्किन, पिंपल्स के लिए, क्योंकि यू नो PCOS में बहुत ज़्यादा पिंपल, एक्ने प्रोन स्किन होती है, ऑयली होती है. तो मुझे ना ये कुछ प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे एंड मैंने यूट्यूब पे इनको देखा था एंड काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं. सो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड अगर आप परचेज करना चाहते हो तो यू कैन गो डाउन लाइक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक दे दूँगी, मैं आप वहाँ से देख सकते हो. इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरा एक फेस वॉश, वो है सीवा मेड का, विच वॉज वर्किंग वेरी गुड. पर मुझे एक और कुछ लेना था टी ट्री का बॉडी शॉप से, तो मैंने यहाँ पे कुछ तीन प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं. एंड एक है बॉडी शॉप का टी ट्री फेस वॉश, एंड एक है घर जो ब्रांड अभी नया आया है, काफ़ी ज़्यादा एड्स में आ रहा है. सो मैंने उसका लिया है आइस रोलर. सो उसमें पानी भर दो एंड वो आइस यू नो फ्रीजर में रख दो उसको, तो उससे पूरा आइस बन जाता है एंड यू कैन यू नो रब इट ऑन योर फेस. एंड वो से मैं यूज़ कर चुकी हूँ, दो मेरे पास उनकी वीडियोज नहीं मैंने रिकॉर्ड किए हैं कि मैं यूज़ कर रही हूँ इन ऑल दोस्त, बट मुझे ये लगा कि यार आपके साथ ना मुझे इनको शेयर करना चाहिए, तो आपको बहुत यू नो अच्छा रहेगा. एंड मैंने दूसरा लिया ये बहुत ही प्यारा सा स्क्रब, फेस स्क्रब सिलिकॉन का. सो ये मैंने पता है क्यों परचेज किया, देयर्स वन वीडियो व्लॉगर, देयर इज़ वन ब्लॉगर एक्चुअली ऑन फेसबुक, उनके काफ़ी ज़्यादा रील्स ऑन यू नो यूट्यूब पर उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ रहते हैं. शी इज़ नाइजीरियन एंड यूजअली मैंने उनको देखा है यूज़ करके, वो हमेशा यूज़ करती है ना, मैंने वो हमेशा अपने वीडियोज़ में दिखाती रहती है यूज़ करती है इसको. एंड मैंने देखा उसकी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, ना तो उनको ब्लैक हेड्स होते हैं ना कुछ. एंड रिसेंटली अभी तो फिल्टर है, फिल्टर हटाने के बाद मैं दिखाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे हैं अभी भी मैंने थोड़े दो तीन दिन से इसको यूज़ नहीं किया. सो उसको देख के मैंने इसको परचेज किया एंड ट्रस्ट भी इसको यूज़ किया है मैंने काफ़ी बार. एंड इवन जो मैं आपको घर का प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो भी मैंने इसको 4-5 बार यूज़ मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे यू नो नोड्यूल्स वाले पिंपल्स होते हैं, आपने मेरी कोई रील देखी होगी शॉर्ट वीडियो में. सो PCOS वाले पिंपल्स थोड़े अलग होते हैं. सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप ये लेना चाहते हो तो लिंक मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इनको ज़रूर परचेज करना. एंड नाउ लेट मी शो यू दैट घर वाला भी प्रोडक्ट. मेरे पास इसमें आईज नहीं है एंड ये आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा, तभी मैंने ये खरीदा था. बट ट्रस्ट मी वो ऐसे लेके आईज लगाना है टोटली यू नो पानी गिरता जाता है और हम उसको लगा रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल पसीने आया. सो इसमें पूरा यू नो आईज बन जाता है एंड काफ़ी अच्छा सिलिकॉन है इसका और मेरे को सबसे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी लगी. सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में भी मिल जाएगा दूसरे ब्रांड्स का, उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा एज पर द क्वालिटी ये मैंने लिया था. एंड यहाँ से इसको आपको पानी भरना पड़ता है, फिर उसको आपको फ्रीज कर देना है एंड देन आप उसको बाद में जब ओपन करोगे तो पूरा यहाँ पे एक बर्फ रहेगा एंड देन यू कैन रब इट ऑन योर फेस. तो ये अच्छा होता है जब आप सुबह उठते हो, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा फ्लफी हो रहा है यू नो पफी हो रहा है, उसके लिए अगर आपको आइज में इरिटेशन या पिम्पल्स है, तो बेसिकली मैंने पिम्पल्स के लिए लिया था एंड काम बहुत अच्छा कर रहा है. 699 रुपीज़ है एंड 399 भी है ये वाला, अब दिखा रहा है 399 अभी डिस्काउंट में, पर जब मैंने लिया था इट वॉज नॉट एट ऑल ऑन डिस्काउंट. तो आप इसको परचेज कर सकते हो, प्लस यू नो अभी सेल चल रही है तो यू नो सब कुछ सस्ता सस्ता मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप ग्रैब कर सकते हो. ये वाला जो है ये है सेंटेरा सिलिकॉन फेस स्क्रबर एंड इसमें ना पीछे एप्लीकेटर भी है, जैसे अगर आप यू नो कोई भी फेस पैक लगा रहे हो तो इससे आप ऐसे लगा सकते हो. एंड इस पर आपको कुछ नहीं करना है, फेस पे आपको अपना फेस वॉश या सोप व्हाटएवर यू गाइस यूज उसको लगा के, तो यू हैव टू स्क्रब ऑन नोज या चिन पे, तो सारा ये ना डेड स्किन और काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है. एंड दिस इज़ ओनली फॉर ₹75 एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा ये फेस वॉश. ये बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो ये बॉडी शॉप का है, अगर आप मेरी तरह हो एक यू नो लाइक इफ यू आर अ मॉम और आप बाहर नहीं जा पा रहे हो देन इट यू नो अमेजोन से सब कुछ ऑर्डर करो, सब मिल जाता है. तो मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगी एंड वहाँ से आप परचेज कर सकते हो.
सो गाइस मैंने परचेज़ किया है टी ट्री फेस वॉश, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले. सो ये मैंने लिया था यू नो अमेज़ॉन से, एंड ये अराउंड 250 ml की इसकी बॉटल है, जिसका अभी प्राइस है 556 rupees एंड ओरिजिनल प्राइस है 695. एंड अगर आपको भी पिंपल होते हैं ना, तो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स इसलिए आपको बता रही हूँ वो जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, एंड यू नो हाउ ट्रू रिव्यूज़ आर माइंड. सो अगर आपको परचेज़ करना है तो आप नीचे दी हुई लिंक में, लाइक डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो. एंड आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड दैट्स ऑल.